या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। क्या फातिहा के अंदर खाने का होना ही ज़रूरी है या बगैर खाने के भी पानी पर फातिहा दिलवाई जा सकती है? तो इसके ऊपर ना मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ पहले से, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे सिकंदर वारसी अबाउट फातिहा का तरीका, तो उसके अंदर आपको पूरा तरीक़ेकार और किस तरीके से फातिहा किस चीज़ पे करनी है वो मिल जाएगा। ये जो लोगों का ख्याल है कि फातिहा के अंदर खाना होना ज़रूरी है, तो ज़रूरी वाली बात नहीं है, लेकिन ये कि बेहतर है अगर हो तो ठीक है, क्योंकि साले सवाब करने के बाद जो खाना है वो लोगों में खिलाया जाएगा तो उसका सवाब भी मिलेगा। और फातिहा हकीकत में किसी को इसाल करना होता है सवाब का, कोई भी नेक अमल करके उसको आम जुबान में सवाब बख्शना कहते हैं, उसी को फातिहा कहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसाले सवाब आप खाने को आगे रख के कुरान पढ़ के ही किया जाए, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास खाना बनाने का टाइम नहीं, या इस तरह से लोग हैं कि जो खाना नहीं बना सकते, मिसाल के तौर पर कहीं जॉब वगैरह करते हैं और जेंट्स हैं सारे, खाना बाहर से वो लोग खाते हैं, अब 11वीं के मौके पे या किसी और उर्स के मौके पे वो नियाज वगैरह करना चाहें, तो वो कोई अमाउंट रकम वगैरह भी जो है ना सदका कर सकते हैं सवाब की नियत से, और जिस बुज़ुर्ग की नियाज वो कराना चाहते हैं उनके नाम से सदका कर सकते हैं कि ये 50 रुपये मस्जिद में या 100 रुपये मदरसे में जो है ना हम आला हज़रत के नाम से, गरीब नवाज के नाम से या दूसरे बुज़ुर्ग के नाम से देते हैं, तो ये भी एक किस्म से जो है ना फातिहा शुमार की जाएगी। लोगों के अंदर जिनमें गलत फहमी है कि खाना आगे रख कर ही फातिहा होगी, इसके अलावा फातिहा नहीं हो सकती, तो वो उनके इल्म की कमी है। अहले सुन्नत का मामला और नज़रिया इसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट है कि ये एक इसाले सवाब है, और इसका तरीक़ेकार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बनाएँ, कभी भी बनाएँ, कभी भी खिलाएँ, हमेशा वो नियाज फातिहा में ही इसको जो है ना शुमार किया जाएगा। यानी शरीयत का एक टर्म है ये इसाले सवाब। अब इसके अंदर अब जो भी तरीक़ेकार सवाब का करेंगे, और उर्फ में इसको जो है ना नियाज फातिहा कहते हैं, और शरीयत के टर्म में इसको इसाले सवाब कहते हैं। तो खाना आगे रखना या खाने का आगे होना, ये दोनों चीज़ें अहले सुन्नत के उलमा ने ना तो कभी नेसेसरी कही हैं ना ही ये ज़रूरी हैं, और जो बदमज़हब या बददीन लोग इसको आवाम के अंदर मशहूर करते हैं कि खाने के बगैर फातिहा नहीं होती, या फातिहा ही खाने के लिए होती है, खाने को बंटवाने के लिए, या खाना जब तक नहीं हो गया लोग फातिहा नहीं करते, या हर चीज़ के अंदर ये लोग खाना शामिल करते हैं, जनाजे में, मुर्दे में, हर चीज़ में खाना, खाने का मौका भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता। तो असल में खाना जो शामिल किया जाता है वो सारा खुद खाने के लिए नहीं होता, बल्कि वो खाना दूसरों को तकसीम करने के लिए होता है, उनको बांटने के लिए होता है, और ये एक इज़ाले सवाब है जो कि बेहतर काम है, खाना खिलाना या किसी के लिए मदद करना। तो फातिहा के अंदर खाना अगर आपके पास इंतज़ाम नहीं है या खाना नहीं बना सकते या कोई ऐसे सिचुएशन है, तो आप जो है ना किसी को अमाउंट भी मस्जिद मदरसे के अंदर दे सकते हैं और किसी के नाम से देंगे, वो उसकी फातिहा मानी जाएगी। अभी जैसा होता है कि घर के अंदर भी जल्दी है और बंदा कहीं सफ़र से आया है, कोई ऐसी सूरत है कि जहाँ पर खाना बनने का भी टाइम नहीं है, तो भी आप उतनी रकम के भी खाना नहीं बन सकता, अभी इतने रुपये मस्जिद में बच्चे के हाथ भिजवा दें कि ये फला बुज़ुर्ग के नाम से आप मस्जिद में दे आओ, तो ये उनको ही साले सवाब हो जाएगा और यही उनके नाम की फातिहा भी मानी जाएगी। या फिर बहुत सी जगह ऐसा होता है खाना नहीं बनाते, बाहर से मिठाई ला के भी तकसीम की जाती है, तो वो भी एक तरीके से नियाज हो जाती है, वो भी फातिहा हो जाती है कि आप बाहर से कोई मिठाई लाएँ, फल लाएँ और वो बच्चों में बंटवा दें, बर्फ़ी वगैरह या कुछ भी चीज़ होती है बच्चों में बंटवा दी जाए, वो भी ठीक है। और आगे रख के ही फातिहा हो ये भी ज़रूरी नहीं है, आप रकम दे के बच्चों को बाहर बंटवाने के लिए किसी बुज़ुर्ग के नाम से भेज दें, मस्जिद में अमाउंट भेज दें, और घर के अंदर आप कुरान पाक ख़ुद पढ़ के, जैसे कि सूरह इखलास पढ़ लें आप 12 मरतबा और उसको इसाले सवाब कर दें, तो ये भी फातिहा हो जाएगी। या कुरान पाक की जो सूरतें आपको आती हैं आप उसको पढ़ लें और उसका सवाब बख्श दें, तो ये भी फातिहा हो जाएगी। तो तरीक़ेकार कुछ भी हो सकता है, कोई भी आप नेक अमल करें, ज़िक्र दुरूद और इसाले सवाब, कुरान पाक, सूरत, कुछ भी पढ़ें आप, उसको इसाल कर दें जिस बुज़ुर्ग को, ये उनकी फातिहा हो जाएगी। खाना नहीं भी होगा तो काम इस तरह चल सकता है। बाकी पैसा भिजवाने के अलावा मिठाई वगैरह भी बाहर बंटवा सकते हैं किसी के नाम की, और वो भी इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। अब बाज़ लोगों में ये भी कन्फ्यूज़न होती है कि बाहर से मिठाई लाई और इसी तरह बांट दी कि फातिहा नहीं दी गई, तो अगर वो किसी बुज़ुर्ग के नाम की निस्बत से ही बांटी जाए कि भाई उनके नाम से ये 1 किलो बर्फ़ी बंटवा दी जाए,
और उस पर कुरान पाक नहीं भी पढ़ा जाएगा तो भी उनकी निस्बत से जो बांटी जा रही है ये भी एक तरीके से साले सवाब ही है, और ये भी फातिहा की किस्म के अंदर मानी जाएगी, ये भी न्यास की किस्म में मानी जाएगी, अगरचे बज़ाहिर उस पर कुरान नहीं पढ़ा, लेकिन रकम को खर्च करना, सदका करना और उसका सवाब बख्शना, खिलाना, तो ये भी जो है ना फातिहा है, क्योंकि ये इसाले सवाब के अंदर ही आएगा। अब अपनी ज़रूरत के लिए आसान वजीफ़ा तलाश करना हुआ और भी आसान, विजिट करें wazifa.sms.farsi.com पर और अपनी दीनों दुनिया की भलाई के लिए पाएं ढेरों आसान वजीफे। कब से अपनी खताओं का शुमारा